वेलकम फ्रेंड्स, यासीन के सपोर्ट, प्लीज सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप यूट्यूब वीडियोस के लिए प्रोफेशनल थंबनेल कहां से बना सकते हो। आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा लोग प्रोफेशनल थंबनेल बनाकर अपनी वीडियो को वायरल करा देते हैं, तो हम भी कैसे प्रोफेशनल किस्म का थंबनेल बनाएं, लेट्स स्टार्ट। उसके लिए हमें पिक्सल लैब ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। पिक्सल लैब ओपन करने के बाद हम यहाँ पर राइट साइड में थ्री लाइंस पर क्लिक करेंगे। थ्री लाइंस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं एक इस टाइप का बैकग्राउंड ले लूँगा और यहाँ टिक कर दूँगा इसे। ब्लू कलर का बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे और फ्रॉम गैलरी से एक इमेज ले लेंगे। जस्ट लाइक मैं ये वाली इमेज सेलेक्ट करता हूँ और इसे क्रॉप करके वहाँ पर डाल दूंगा। ये इमेज मैंने सिलेक्ट कर दिया है और अपने हिसाब से अब मैं इसे सिलेक्ट करूंगा। ऐसा करने के बाद हम यहाँ पर प्लस के आइकन पर दोबारा से क्लिक करेंगे और फ्रॉम गैलरी से एक और वाइट कलर का बैकग्राउंड देंगे। वाइट कलर का बैकग्राउंड देने के बाद मैं इसे थोड़ा इस तरह से सिलेक्ट करूँगा, ऐसे इसे थोड़ा बढ़ाकर। और इस तरह से मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, थोड़ा टेढ़ा टाइप का होना चाहिए। इस तरह से हम इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पर टेक्स्ट टाइप करूँगा, प्लस पर क्लिक करके यहाँ से न्यू टेक्स्ट को एडिट कर दूँगा। न्यू टेक्स्ट की जगह पर मैं लिखूँगा हाउ टू मेक। लिखने के बाद सिंपली इस पर डन पर क्लिक करूँगा और इस तरह से इसे यहाँ पर सिलेक्ट कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पर मैं इसका कलर चूज़ करूँगा, उसके लिए यहाँ पर राइट साइड में क्लिक करेंगे और यहाँ पर कलर के ऑप्शन पर जाकर इसे मैं ब्लैक कलर इसका रख दूँगा। ब्लैक कलर रखने के बाद इसे टिक कर लूँगा और उसके बाद इसे मैं फॉन्ट दे दूँगा। आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो, मैं यहाँ पर इसे ये वाली फॉन्ट दे रहा हूँ। ये फॉन्ट देने के बाद यहाँ से मैं टेक्स्ट साइज़ को थोड़ा बड़ा कर लूँगा, इस तरह से बड़ा करने के बाद ये जो वाइट बैकग्राउंड है इसे थोड़ा दोबारा से टेक्स्ट पर टाइप करूँगा और यहाँ पर एडिट के ऑप्शन पर जाकर न्यू टेक्स्ट की जगह पर लिखूँगा प्रोफेशनल थंबनेल। इस तरह से लिखने के बाद मैं यहां पर ए वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसका कलर रख दूंगा, वाइट कलर मैं इसका रखूंगा और इसे बैकग्राउंड कलर में इनेबल कर दूंगा और यहाँ पर इसे रेड कलर इसका बैकग्राउंड कलर रखूँगा। रेड बैकग्राउंड रखने के बाद इसकी लेफ्ट पैडिंग इस तरह से बढ़ा देंगे और इसका रेडियस कुछ इस तरह से बना देंगे। रेडियस बनाने के बाद मैं इस पर दोबारा से क्लिक करूँगा, इस पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर इसे फॉन्ट दे दूंगा, इसे भी वही फॉन्ट दूंगा, नहीं इसे मैं ये वाली फॉन्ट दे दूंगा। ये फॉन्ट देने के बाद अब इसे दोबारा से मैं यहाँ पर नीचे स्ट्रोक का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, इसे इनेबल कर देना है और स्ट्रोक पर इसे ब्लैक ही रखना है। इस तरह से रखने के बाद यहाँ पर नीचे जाकर 3D रोटेट पर जाकर इस तरह से क्लिक करेंगे और इस तरह से बढ़ा देंगे। अब 3D टेक्स्ट भी इसका इनेबल कर देंगे। 3D टेक्स्ट इनेबल करने के बाद
यहाँ से मैं दोबारा ऊपर जाऊँगा और इस पर इसका जो साइज़ है वो बढ़ा दूँगा थोड़ा सा इस तरह से। साइज़ बढ़ाने के बाद ये कुछ अट्रैक्टिव नज़र आ जाएगा। और अब मैं दोबारा से टेक्स्ट पर क्लिक करूँगा और न्यू टेक्स्ट को एडिट कर दूँगा। न्यू टेक्स्ट की जगह पर मैं लिखूँगा पिक्सल लैब, यहाँ पर मैं लिख दूँगा पिक्सल लैब। लिखने के बाद इसे यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लूँगा और इसका कलर ब्लैक रखूँगा। कलर रखने के बाद यहाँ पर इसका भी थोड़ा साइज़ इस तरह से बढ़ा देंगे। साइज़ बढ़ाने के बाद इसे टिक कर दूँगा और उसके बाद इसे फॉन्ट दे दूँगा। यहाँ पर फॉन्ट के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और ये वाली फॉन्ट दे दूँगा। ये फॉन्ट देने के बाद यहाँ पर मैं दोबारा से अब प्लस के आइकन पर क्लिक करूँगा और YouTube का लोगो ले लूँगा अपनी गैलरी से। YouTube का लोगो लेने के बाद इस तरह से मैं यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर दूँगा। अपने हिसाब से हम सिलेक्ट कर देंगे। इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद आप इससे भी स्ट्रोक वगैरह दे सकते हो, मैं अभी इसको कुछ भी नहीं दूंगा और यहाँ पर इसे टिक कर देंगे। उसके बाद दोबारा से प्लस पर क्लिक करके टेक्स्ट पर लिखेंगे, आप दोबारा से टेक्स्ट टाइप करेंगे। यहाँ पर लास्ट में मैं लिख दूंगा वीडियोज़। वीडियोज़ लिखने के बाद ओके पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर इसे कलर दे दूँगा। सॉरी, इसे मैं इस टाइप का कलर इसे दे दूँगा। कलर देने के बाद इसका भी साइज़ थोड़ा बढ़ा देंगे। इस तरह से साइज़ बढ़ाने के बाद फॉन्ट इसकी भी चेंज कर देंगे। सर, ये फॉन्ट बेहतर है इसलिए इस पर मैं क्लिक करूँगा और इसका स्ट्रोक हम इनेबल कर देंगे। स्ट्रोक इनेबल करने के बाद इस टाइप का हम स्ट्रोक रख देंगे, जो आपको पसंद आता है वो आप रख लीजिएगा। साइज़ थोड़ा इसका कम करना है, ये ऐसे नीचे चला गया है इस तरह से। और उसके बाद इससे भी हम 3D टेक्स्ट जो है इसका भी इनेबल कर देंगे। 3D टेक्स्ट इनेबल करने के बाद ये हमारा थंबनेल कितना प्रोफेशनल टाइप का बन गया है। आप इसी तरह से अपनी वीडियोस में बेहतर से बेहतर थंबनेल लगाकर अपनी वीडियो को वायरल करा सकते हो। और उसके बाद मैं यहाँ पर इसे सेव कर दूँगा। राइट साइड में 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से एक्सपोर्ट इमेज पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर ऊपर सेव टू गैलरी इस पर मैं क्लिक करूँगा। आप इसकी क्वालिटी भी चेंज कर सकते हो, यहाँ से क्वालिटी में मैं वेरी हाई कर दूंगा और सेव टू गैलरी पर क्लिक करूंगा और ये इमेज जो है सेव हो जाएगा। इमेज सेव हो गया है। प्लीज़ सपोर्ट मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल।